ई सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 इन द गिवन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी एफ एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री फाइंड द एंगल पी आर क्यू फिगर दिया हुआ है ये आर पॉइंट है ये क्यू है ये टी है ये एंगल 110 डिग्री ये 135 डिग्री पी पॉइंट और ये एस पॉइंट सॉल्यूशन इन द फिगर एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर ये प्रॉपर्टी है इसकी लीनियर पेयर के कारण अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आ गई 70 डिग्री ऑल्सो एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 ये भी लीनियर पेयर से वन थर्टी फाइव प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री नाउ इन द ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 45 डिग्री एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री आंसर क्वेश्चन नंबर 3 इन द फिगर
If AB parallel to DE, angle BAC is equal to 35 degree and angle CDE is equal to 53 degree, find angle DCE. Angle CDE 53, BAC 35, ये given है हमको, find out करना है DCE, ये angle find out करना है. Solution. In the figure, angle BAC is equal to angle CED, alternate angle. Property लगी, angle CED is equal to 35 degree in triangle CDE, angle CDE plus angle DCE plus angle CED is equal to 180 degree. Angle sum property है, angle sum property, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 53 डिग्री प्लस एंगल DCE प्लस 35 इज इक्वल टू 180, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री. आंसर क्वेश्चन नंबर 6. इन द फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड 2 points S, point S. If the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to 1/2 angle QPR. Figure दिया हुआ हमको, ये S point है, R, Q, T और P. Solution, exterior angle PRS is equal to angle PQR plus angle QPR. Exterior property, exterior angle property. Therefore, 1/2 angle PRS is equal to 1/2 angle PQR plus 1/2 angle QPR. Angle TRS is equal to angle TQR
प्लस 1/2 एंगल QPR, इक्वेशन फर्स्ट। बट एन ट्रायंगल QTR, ये ट्रायंगल ले लिया, इसमें एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR, इक्वेशन नंबर टू। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल TQR प्लस एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस 1/2 एंगल QPR। अब QTR इज इक्वल टू TQR से TQR कैंसिल हो जाएगा, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। प्रूव्ड।